गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में शनिवार को 295 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 2 की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,744 हो गई है। 7,674 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 2,927 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में शनिवार को जो कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें शहरी क्षेत्र में 177 और ग्रामीण क्षेत्रों में 96 सहित अन्य क्षेत्रों में 22 मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें, शनिवार को शहरी क्षेत्र में जो 177 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं उनमें शाहपुर क्षेत्र में 33, रामगढ़ताल क्षेत्र में 12, गोरखनाथ क्षेत्र में 22, कैंट क्षेत्र में 78, गुलेरिया क्षेत्र में 7, राजघाट क्षेत्र में 11 और कोतवाली क्षेत्र में 11 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो 96 नए मरीज पाए गए हैं उनमें कैंपियरगंज क्षेत्र में 10, गोला क्षेत्र में 3, खजनी क्षेत्र में 1, पिपरौली क्षेत्र में 8, बढ़लगंज क्षेत्र में 6, चरगावा क्षेत्र में 17, खोराबाड़ क्षेत्र में 18, सहजनवा क्षेत्र में 1, बेलघाट क्षेत्र में 1, भटहट क्षेत्र में 8, कौड़ीराम क्षेत्र में 1, पाली क्षेत्र में 3, सरदारनगर क्षेत्र में 2, गघा क्षेत्र में 12 सहित अन्य 22 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिजनों की कोरोना जाँच कराई जाएगी। साथ ही जहाँ भी कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।